रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद अशोक गहलोत ने रीट की लेवल टू परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेवल वन की परीक्षा निरस्त नहीं होगी, अब रीट में 62,000 भर्तियां होंगी। लेवल टू की जो परीक्षा निरस्त हुई है वह अगस्त तक होने की संभावना है। गहलोत ने कहा कि रीट लेवल वन और लेवल टू मिलाकर कुल 62,000 हो जाएगी। लेवल वन के 15,000 पद अलग रह जाएंगे, पहले की तरह ही एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे, विषयवार अलग से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती परीक्षा होगी। जस्टिस व्यास की अध्यक्षता वाली कमेटी की 15 मार्च तक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट मिलते ही एग्ज़ाम की तारीख बता देंगे। विधानसभा सत्र में कड़ा कानून लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब रीट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आजीवन रहेगी। इससे पहले रीट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल थी, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने काफ़ी विरोध भी जताया था। 3 साल से रीट एग्ज़ाम न होने के चलते 2,53,000 रीट प्रमाण पत्रों की वैधता खत्म हो गई थी, क्योंकि रीट 2018 के प्रमाण पत्रों की वैधता 31 जुलाई 2021 को खत्म हो गई थी। तो आज में कह दिया कि हम इस एग्जाम को L2 L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है, L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे। और L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट हो नहीं हुआ है, L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, उसको दोबारा पहले करवाएंगे रीट। जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट ये और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वो सिस्टम वापस ला रहे हैं, जिसके अंदर अभी इनका एक तो हो गया ये रद्द हो जाएंगे, संख्या बढ़ा रहे हैं, पहले 31,000 थी लगभग, 31 के थी 32,000 थी लगभग 32,000 थी, अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 ही घोषणा करते हैं, तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी, 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी, टोटल 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी L1 और L2 में, दोनों मिला के इसमें L1 के 15,000 ये वो अलग बात माइनस होगा, ये जो सेलेक्ट हो तो जाएगा 64,000 कुल होगी ना, पहले 32 अब 30 और मिला रहे हैं, उसमें लेवल वन के जो अभी पास हो जाएंगे वो 15,000 जो भी फिगर है तो वो मतलब अलग निकल जाएंगे, बाकी का हम आगे एग्जाम लेंगे। दो तरह लेंगे, एलिजिबल टेस्ट पहले की तरह, और एलिजिबल टेस्ट में भारत सरकार कहती है आप इसको भले परमानेंट कर सकते हो, एक बार एलिजिबल हो गया तो भले वो 2 साल 4 साल 5 साल कभी दे, वैलिडिटी आजीवन, वैलिडिटी आजीवन है उसकी, तो वो तो हम बाद में आपको बताएंगे जब रूट वगैरह बन जाएंगे, कि रूट बनाने पड़ेंगे नहीं इसको वापस, परंतु इसको अपन चाहेंगे कि वो कराएं और बाद में फाइनल एग्जाम करवाएं विषय वाइज, जो विषय के होंगे लोग जो कैंडिडेट विषय वाइज करवाएंगे। अभी मई में पहले हमने कहा था 20,000 की जो भर्ती हमने कही थी मई के लिए कही थी, तो एक आध महीना खिसक सकता है, क्योंकि वो रिपोर्ट आने वाली है मिस्टर व्यास की अध्यक्षता में, जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई हमने, वो रिपोर्ट 15 मार्च तक आएगी, कि आगे कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, तो रिपोर्ट आएगी तो उसको आधार बनाकर के हम चाहेंगे कि जल्दी वो रिपोर्ट मिलते ही हम घोषणा कराएंगे कि एग्जाम कब होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।